तो अपना जो क्राइटेरिया था प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, ये क्राइटेरिया था FBA के लिए, ठीक है? अच्छा, एक दफा दोबारा इसको देख लें। BSR हमने कितना किया था, 500 to 80 के मैक्सिमम, ब्रांड अमेजोन, ये फला फला, ये जितना भी क्राइटेरिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, लिख दूं मैं। ठीक है, अब हमने जो करना है वो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट करेंगे। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट किस तरह से चलेगी अपनी, उसके लिए एक मेरे पास यहाँ पे डायग्राम होगी, बल्कि वो डायग्राम पुरानी है, न्यू बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ मैं इसका, कि बेसिकली करना क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे, पहले आप समझ लें कि होगा कैसे। ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से किसी के माइंड में है FBM किस तरह से होगा, कोई मतलब किसी को पहले से आइडिया हो इसके बारे में? उसमें मेरे ख्याल से सर हम अपना अपनी इन्वेंट्री अमेज़ॉन के पास नहीं रखवाते होंगे, किसी अलग जगह रखवाते होंगे FBM में। हाँ बिल्कुल, कॉन्सेप्ट तो ठीक है आपका। तो फर्दर फिर उसके बाद क्या करेंगे? नहीं पता, चलो पता कर लेते हैं। बाद में उसकी रैपिंग वगैरह शायद नहीं, इसी तरह का कुछ, मैं बताता हूँ कैसे होगा। अच्छा ये सर कुछ क्वेश्चन रहते हैं वो फिर एट द एंड ऑफ द लेक्चर। नहीं, आप अभी पूछ लें, कोई मसला नहीं, हम यहीं पे लेक्चर को चलिए भी स्टॉप कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ। चलें, ठीक है सर। जिस तरह हम कीपा में देख रहे थे कि अमेजोन पहले नहीं था, लेकिन सालों से अमेजोन कंटिन्यूसली उस प्रोडक्ट पे बैठा हुआ था, तो ऐसा अच्छा प्रोडक्ट भी हमें सोर्स नहीं हंट करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जिस पे ठीक अमेजोन है है आगे छोड़ दो ब्रेक उसको, आएगा। जिस पे अमेजोन है उसको छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है उसका। देखो, ओके सर। सर एक जब हम, हाँ जी, हमने करना है बिजनेस, ठीक है? बिजनेस करना है, हमें चाहिए ज्यादा सेल्स, ठीक है? और अगर अमेजोन बैठा हो लिस्टिंग के ऊपर, फिर हमें वेट करना पड़ेगा, यस ठीक है, कि अमेजोन अब आउट ऑफ स्टॉक होगा या बाय बॉक्स रोटेशन में आएगा तो हमारी बारी आएगी, या हमें प्राइस बहुत ज्यादा गिरानी पड़ेगी, लाइक अमेजोन से 1-2 सेंट गिरानी पड़ेगी बाय बॉक्स विन करने के लिए। ठीक है, तो इस यस लिए आप जाओ ही ना। और जो चीज मैं आज आज आप लोगों को बताने लगा हूं ना, ये देखना आप लोग, ये बड़ी लाइफ चेंजिंग है। और ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में जो टोटल अमेजोन के सेलर्स होंगे ना, उसमें कुछ 5% सेलर भी मेरे ख्याल में कि ये चीज फॉलो नहीं करते होंगे। ये मेरी अपनी स्ट्रेटेजी है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी आप लोगों ने वायरल भी नहीं करनी। पता है क्यों? जब भी एक चीज वायरल हो जाती है ना, मतलब एक्सेस यूज में आ जाती है, फिर वो काम की नहीं जी रहती, ठीक है ना? तो एक चीज है, आप लोग पैसा कमा लें एक चीज से, मतलब कोई मिलियन डॉलर्स बना लें एक चीज से, उसके बाद आप उसको जो है वो फर्दर आगे मतलब के करते रहे, फिर जिसको यस मर्जी बताएं। लेकिन इन स्टार्ट, जब तक आप पैसे नहीं बनाते, तब तक आप इस चीज को आगे वायरल ना करें, यस ठीक है? अपने रिश्तेदार भी हैं, उनको भी ना सर बताएं कि ये इस तरह है कि नहीं, लेकिन ये हाँ फिर भी जो है कि कहते हैं ज्यादा मतलब के एक्सेस में, लाइक एक चीज वायरल हो जाती है ना, तो फिर उसमें मतलब के वो प्रॉफिट्स नहीं यस रहते। तो आप लोगों ने थोड़े थोड़े बजट के साथ काम करना, तो उसके साथ फिर हमारे काम के ऊपर फर्क नहीं आता। लेकिन जब लोग बड़े बजट के साथ काम के अंदर आते हैं ना, लाइक के 2 लाख डॉलर,
10 लाख डॉलर के साथ, तो फिर वो सारी प्रोडक्ट्स कैप्चर कर लेते हैं। सही। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक स्टोर, ठीक है। लेट सपोज ये आ गया अपना अमेज़ॉन का स्टोर, ठीक है, अमेज़ॉन का स्टोर आ गया। उसके बाद हमें चाहिए सप्लायर, ठीक है। तो सप्लायर कहाँ पे है, सप्लायर कोई सही वाला देखते हैं यहाँ से। वेयरहाउस निकाल लेते हैं। चलिए लेट्स सपोज ये हमारा सप्लायर आ जाता है, ठीक है। सप्लायर आ गया, स्टोर आ गया, और अभी हमें चाहिए कस्टमर। ये अपना कस्टमर आ गया, ठीक है। अच्छा एक और चीज हमें चाहिए, प्यारी सी कोई चीज यहां से। अच्छा अच्छा ये अपना एक और वेयरहाउस आ गया, ठीक है। अब कितनी चीजें आ गई अपने पास, एक तो अपना स्टोर आ गया, फिर अपना सप्लायर आ गया, ये क्या है, ये प्रेप सेंटर वेयर हाउस मतलब प्राइवेट वेयर हाउस है, और ये कस्टमर है, ठीक है। जब हम लोग ड्रॉप शिपिंग करते थे ना, अब ये जो 2021 वाला टाइम हो गया, 2020, 18, 19, 17, इस टाइम में हम लोगों ने जब काम किया ना, तो हमने किस तरह से काम करते थे, कस्टमर हमें स्टोर पे ऑर्डर देता था, मैं बताता हूँ कैसे। अच्छा ना। कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता था अपने स्टोर पे, स्टोर के ऊपर हमने सिर्फ पिक्चर लगाई होती थी प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट की सिर्फ पिक्चर लगी होती थी, कोई प्रोडक्ट हमारे पास स्टॉक में नहीं होती थी, ठीक है। हम क्या करते थे, हम लोग डायरेक्टली कस्टमर को सप्लायर से शिप कर देते थे। लेट सपोज अब मैंने कल आपको लेक्चर के अंदर, आप लोगों ने लेक्चर देखा था वो जो मैंने अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने प्रोडक्ट किस तरह से सोर्स करनी है, मतलब कि लेट सपोज ये वॉलमार्ट का स्टोर है, या सैम्स क्लब है, या कोई भी और सप्लायर है, टारगेट है, चीवी है, या कोई भी है। कस्टमर जब ऑर्डर प्लेस करता था हमारे स्टोर के ऊपर, तो हम उस ऑर्डर को प्लेस करते थे यहाँ पे कस्टमर का एड्रेस ऐड करके, और यहाँ से डायरेक्टली प्रोडक्ट कस्टमर के घर पहुंच जाती थी, ठीक है। कस्टमर ने तो हमें कार्ड के थ्रू पेमेंट कर देनी है पहले ही, ठीक है। कार्ड के थ्रू पेमेंट आ गई कस्टमर की, तो उसको जो है वो फर्दर आगे कस्टमर को डिलीवर हम डायरेक्टली इधर ऑर्डर प्लेस कर देते थे, कस्टमर का नेम एड्रेस लगा के डायरेक्टली चीज इधर चलेगी। अब उसमें हमें क्या फायदा होता था, अमेजोन की फीस नहीं थी हमें पड़ती, जो वेयर हाउस की फीस होती, लेट सपोज ये अमेजोन का वेयर हाउस है, इसकी फीस जो 30-35%, अब 100 हमने कमाना, उसमें से 35 अमेजोन ले जाता है, ठीक है। तो हम ये 35 भी बचाते थे उस टाइम पे, लेकिन उसके बाद पॉलिसीज चेंज हो गई, अमेजोन को मसला होने लग गया, अमेजोन ने कहा कि भाई कस्टमर जो है वो अमेजोन के ऊपर आ रहा है, और उसको प्रोडक्ट जब जा रही है उसके ऊपर लेबल वॉलमार्ट का लगा हुआ है, या सैम्स क्लब का लगा हुआ है, या पैकेजिंग उसके ऊपर वॉलमार्ट की सैम्स क्लब की, उसकी वजह से अमेजोन ने एक ही जगह पे आरी रख के ना सारे सेलर्स को फेर दी, वो मतलब जितना भी सेलर ड्रॉप शिपिंग कर रहा था उसने सबका अकाउंट सस्पेंड कर दिया, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ,
कि हमारी जो थी अब शिपिंग की कॉस्ट कॉस्ट भी बच रही थी इसमें, क्योंकि ये फ्री शिपिंग हमने मेंबरशिप ले लेनी होती थी और फ्री शिपिंग जा रही होती थी, कस्टमर को पैसा बन रहा है और इतना पैसा कमाया कि आप लोग तो बहुत ज्यादा लेट आए हैं इस काम के अंदर तो। लेकिन कोई बात नहीं, ये वाली जो स्ट्रेटेजी जो अब आपको बताने लगा हूँ ये तकरीबन काइंड ऑफ सेम है, जहां पे आपका 35% जा रहा था अब आपका 15% जाएगा और 20% जो है वो आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है, स्टोर के ऊपर आपने लिस्टिंग लगा ली, लेट्स सपोज अब इधर आ जाते हैं हम इसके ऊपर, कोई भी प्रोडक्ट है लेट्स सपोज के इसी को ले लेते हैं समझाने के लिए अभी, कि ये वाली एक प्रोडक्ट है, आपने इसको मीटू करके बैठ जाना। मीटू किस तरह करते हैं कि ये वाली लिस्टिंग है ना, जिस तरह मतलब कि आर्बिट्राज में भी हम लोग सेम यही करेंगे एफबीए के अंदर। और अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे अदर सेलर्स बैठे होते हैं, तो अदर सेलर्स में आपने प्रोडक्ट लिस्ट करके बैठ जाना है एज एन एफबीएम सेलर। ठीक है, जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं ना अमेजोन के ऊपर, अमेजोन आपसे पूछता है कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन करेंगे या फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट सेलेक्ट करेंगे कि आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ। ठीक है, अच्छा ये चीज क्लियर हो गई। हम क्या करेंगे, कस्टमर ने ऑर्डर दिया, अब जिस तरह रिदा ने बात की कि सर हम जो है प्रेस लिस्टिंग पे जाएंगे उसका हमें क्या एडवांटेज होगा, ये दूसरी ये वो, मैंने आपको बताया, मैंने कहा कि आप एक दफा ऑर्डर ले लें उसके ऊपर, मतलब प्राइस वॉर चल रही है ये जो भी चल रहा है प्रेस लिस्टिंग है, एक दफा प्राइस गिराई अपने, आपको मार्जिन बच रहा है लेट सपोज 30% मार्जिन बच रहा है, आपने ऑर्डर उठा लेनी है प्रोडक्ट के, आपने जब बाय बॉक्स विन करके बैठेंगे ये सब प्रेस लिस्टिंग में टॉप पे बैठेंगे, ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, हैंडलिंग टाइम इंक्रीज कर देंगे, मतलब डिलीवरी टाइम थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, लेट सपोज कि हमारा 3 डेज का डिलीवरी टाइम था पहले, हम उसको ड्रैग करके 8 दिन पे या 9 दिन पे ले जाएंगे। ठीक है, 8 9 दिन पे चला गया वो, ऑर्डर्स आगे 20 ऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल इस कस्टमर ने एक प्रोडक्ट ऑर्डर की, 20 ऑर्डर हमारे स्टोर पे आ गए, हम क्या करेंगे, हम वॉलमार्ट से या कोई भी जित जो भी हमारा सोर्स होगा उस सोर्स से हमने प्रोडक्ट के उतने यूनिट ऑर्डर करके प्रेप सेंटर भेज देने हैं इसके पास। ठीक है, 10 यूनिट का, 10 यूनिट्स के ऑर्डर से मतलब डिफरेंट 10 डिफरेंट कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किए थे, वो 10 ऑर्डर जो 10 यूनिट हमने इसके पास मंगवा लिए, अब यहाँ पे ये सिंगल सिंगल यूनिट को पैक करेगा, बॉक्स में डालेगा, लेबल लगेगा हमारे स्टोर का, और ये नहीं सॉरी ये तो सप्लायर है ये वाला बंदा, ये जो प्रेप सेंटर है ठीक है, ये हर यूनिट को प्रेप करेगा और हमसे पैसे चार्ज करेगा एफबीए के लिए, ये हमसे कम पैसे चार्ज करेगा लाइक 70 सेंट 80 सेंट या 50 सेंट, तब क्योंकि वो बल्क में यूनिट्स होते हैं, उसने सिर्फ एक एक के ऊपर लेबल लगाना और इकट्ठे 50 यूनिट्स को एक डब्बे में पैक कर देना। लेकिन यहां पे क्या होगा कि हर यूनिट सेपरेट डब्बे के अंदर पैक होना। ठीक है, तो ये हमसे कितने पैसे चार्ज कर लेगा, लेट सपोज कि ये हमसे $2 मैक्सिमम चार्ज कर लेगा, डेढ़ चार्ज कर लेगा उसका। ठीक है, तो फिर हम इसको लेबल देंगे, अब लेबल के में कितने पैसे पड़ेंगे, $4 पड़ जाएंगे लेट सपोज, 5 पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारी छोटी प्रोडक्ट्स होंगी, छोटी छोटी, कितनी मोबाइल की डाटा केबल ले लें, मोबाइल का कवर ले लें, लिपस्टिक ले लें, या हेल्थ के सप्लीमेंट जो मैंने आप लोगों को कैटेगरीज बताई हुई हैं उन कैटेगरीज में जाना है आप लोगों ने, और उसमें छोटी छोटी प्रोडक्ट्स आप उठा, $4 मैक्सिमम शिपिंग पड़ेगी, कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर होगी, अमेजोन हमसे ज्यादा पैसे चार्ज कर रहा था। तो ये है मॉड्यूल, अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ दूसरी साइड पे प्रैक्टिकल में। ठीक है, यहाँ पे ना अब आपने प्रोडक्ट कौन सी हंट करनी है, अब बात आती है वो वाली, मॉड्यूल समझ में आ गया कि किस तरह से मॉड्यूल काम करेगा, प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी स्टोर के ऊपर, कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा, ऑर्डर्स इकट्ठे हो गए, प्रोडक्ट्स वॉलमार्ट पे ये जो भी सोर्स है उधर से ऑर्डर करके डायरेक्ट प्रेप सेंटर पहुंच जाएंगी, प्रेप सेंटर में वो पड़ी हुई है। ठीक है, हम उसको लेबल्स अपने स्टोर से जनरेट करके इसको हम लेबल्स भेजेंगे या इसको अपने स्टोर की चाइल्ड एक्सेस दे देंगे। ठीक है, तो इसके पास ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, ये सबके लेबल निकाल के खुद भी लगा सकता है, हम चाहें तो हम भी इसको लेबल निकाल के दे देंगे, हर कस्टमर का सेपरेट लेबल होगा, डब्बों पे लगेंगे और डायरेक्टली ये शिप कर देगा कस्टमर्स के एड्रेसेस के ऊपर। ठीक है, जहां पे हमारे कॉस्ट आ रही थी एफबीए के अंदर $20, वो हमारी रिड्यूस होकर $10 पे आ गई। ठीक है,
$10 पे वो आ गई, मतलब कि आधे आधे का फर्क पड़ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्ट, अब FB के अंदर हम लेट सपोज प्रोडक्ट्स लिस्ट कर रहे थे, मैक्सिमम हम 10 लिस्टिंग्स कर लेते क्योंकि हर प्रोडक्ट का हमने 50-100 यूनिट सोर्स भी करना था, उसमें इन्वेस्टमेंट लगनी थी हमारी। यहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगी, कितने ऑर्डर आए, 10 ऑर्डर आए, 10 इन्वेस्ट किए, 10 के पैसे इन्वेस्ट किए, शिप हो गए, पैसे अकाउंट में आ गए। ठीक है, अगेन जितनी कैपेसिटी है उतने ऑर्डर लो, इधर से डिलीवर करवाओ प्रेप सेंटर, प्रेप सेंटर से फिर उनको डिलीवर करवा दो आगे फर्दर कस्टमर की तरफ। तो इधर आके अब मैं जो चीज बताने लगा हूँ, पहले आ जाते हैं क्राइटेरिया, सॉरी क्राइटेरिया पे आना है पहले हमने। अब जो BSR सिलेक्ट करना है हमने, BSR की ना अब कोई लिमिट नहीं है, मतलब कि 500 से लेके 5 लाख तक चले जाएं आप। ठीक है, 5 लाख तक की प्रोडक्ट आपने हंट कर लेनी। अब आपको टूल तो आपको बताएगा, 5 लाख BSR टूल के अंदर ऐड करेंगे वो तो जीरो सेल शो करवाएगा, लेकिन हर बंदा टूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकली अभी तक ये किसी ने इंप्लीमेंट नहीं किया, हम लोग काम कर रहे हैं, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 लाख तक अब आ गए आप। ठीक है, मैक्सिमम इससे भी ऊपर जाना चाहिए, इससे भी ऊपर चले जाए, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट कौन सी निकालनी है मैटर वो करता है, बाकी क्राइटेरिया अपना सेम है, जो ऊपर क्राइटेरिया ना वो अपना सेम, सिर्फ क्या चेंज हुआ FBM में, BSR की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अब एक प्रोडक्ट है ना, लेट्स सपोज के लेक्सर जंप ड्राइव हम कोई और देखते हैं, इधर पपरोनी सर्च करते हैं। जब आप प्रोडक्ट्स बेचेंगे ना तो आपको ब्रांड्स के नाम भी याद होते रहेंगे और आपको पता चल जाएगा कि एक प्रोडक्ट की कितनी कितनी लिस्टिंग होती हैं। ठीक है, अब मैंने पपरोनी सर्च की और BSR हर प्रोडक्ट की ना मल्टीपल लिस्टिंग्स होती हैं, एक चीज ये जहन में रखनी है, जिस तरह अब ये प्रोडक्ट है ना इसकी मल्टीपल लिस्टिंग्स हैं, एक लिस्टिंग वो होगी जिसके ऊपर BSR कम होगा और एक जो तीन लिस्टिंग वो होगी जिसका BSR बहुत ज्यादा होगा, उसको सेलर्स टारगेट ही नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि उस पर सेल नहीं आनी। अब कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर ने जब सर्च करना ना ऊपर पेपरोनी, वो टाइटल लिखेगा प्रोडक्ट का, कस्टमर ने आना सर्च के थ्रू, जब वो सर्च के थ्रू आएगा, बेशक प्रोडक्ट का BSR 5 लाख है, उसको 5 लाख वाली भी शो नहीं है, जैसे अब आप देखें यहाँ पे इसका 108 है ये भी शो हो रही है, 596 ये भी शो हो रही है, 8,000 BSR वाली भी शो हो रही है, और नीचे जाते जाएं तो ज्यादा BSR वाली भी नजर आ जाएंगी, 26,000 वाली ये भी है, 43,000, 20,000। ठीक है, तो आगे जाएं तो और भी आपने 57,000, 55,000, अब आपको लगेगा कि इसके ऊपर सेल नहीं आएगी, लेकिन इनके ऊपर भी बड़ी बड़ी सेल्स आती हैं। और इसमें क्या होगा कि हमारी लिस्टिंग्स ज्यादा होंगी, लिस्टिंग्स ज्यादा कैसे वो भी बताता हूँ, हम इसको ओपन कर लेते हैं, लेट्स सपोज ये वाली प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। अब इसका भी मैं आपको बताता हूँ कि इस लिस्टिंग के क्या मजे हैं, ये देखो बैठा FBM कर रहा, लाइफ इन मोशन क्यों कर रहा है, पैसे बच रहे हैं कर रहा, 4 यूनिट लेफ्ट है पीछे, तकरीबन बाकी भी सेम सेम प्राइसेस पे बैठे हुए हैं। तो इसका हम उठाते हैं SN, कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद आप आ जाएंगे FBA कैलकुलेटर पे, किधर गए, ये रेवेन्यू कैलकुलेटर आ गया, कंटिन्यूअस गेस्ट इधर ला के आपने पेस्ट कर देना इसको एंटर। ठीक है, अब इस काम के साथ साथ आपको कैलकुलेटर भी यूज करना आना चाहिए, ये वाला जो कैलकुलेटर है। ठीक है, यहाँ पे फीस देखो कितनी पड़ रही है, 5.69 कॉस्ट पड़ रही है, किस चीज की, फुलफिलमेंट कॉस्ट। ठीक है, अब ये फुलफिलमेंट कॉस्ट तो हमने खुद रिड्यूस करनी है ना, मैंने आपको कितना बताया कि $4 तक आपके लगेंगे, लेकिन डिफरेंट प्रोडक्ट्स के वेट और डायमेंशन के हिसाब से डिफरेंट पैसे होते हैं। ठीक है, तो इसने स्टोरेज भी डाल ली है यहाँ पे, देखो प्रेप के पैसे तो लगने ही लगने हैं, लेट सपोज हमें ये प्रोडक्ट $6 की मिलती है, मिसलिनियस कॉस्ट ऊपर इधर लगा लेते हैं $2। ठीक है, 8 में पड़ गई, 8 में पड़ी तो कितने देर मार्जिन आ रहा है, 0.07। ठीक है, इधर अभी तक 13 है, ठीक है, फुलफिलमेंट कॉस्ट कितनी, $4 लग गई,
की प्रोडक्ट पड़ी, $2 मिसलिनियस में चले गए, तो कितने कितना फर्क आया। इधर $6 लगा के हमारे 6 नहीं 8 करने चले, $8 हमने लगाए, हमें 1.87 प्रॉफिट आ रहा है, और इसके अंदर हमें कितना आ रहा है, 0.07। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि इधर आपको पैसे ज्यादा बचेंगे, लेकिन बचेंगे कैसे, हाई प्राइस पे लिस्टिंग होगी। ठीक है, वापस आए प्रोडक्ट के ऊपर। अब इस प्रोडक्ट की प्राइस गिरी हुई है, सेलर्स को ये प्रोडक्ट मिल गई है, उन्होंने प्राइस गिरा दी है, तो प्राइस गिर गई है तो मतलब कंपटीशन में आ गया प्रोडक्ट। अब BSR की मैंने बताया था लिमिट नहीं है कोई, हाई पे चले जाएं, इससे भी ज्यादा हाई पे चले जाएं। ठीक, इधर से देखते हैं, इससे भी ज्यादा हाई, जिसमें ज्यादा मार्जिन वाली निकाल के लानी है हमने। ये देखो, इसमें $15 पे ये लगी हुई है, BSR है 1,28,000, इसका BSR कितना, 1,65। इसको देखते हैं, Amazon बैठा हुआ है इसमें, इसको आप छोड़ दें, Amazon आ गया इसमें, Amazon आ गया, इसको छोड़ देना। FBA बैठा हुआ है, और ज्यादा देखें हाई वाली, $1 BSR नहीं शो हो रहा। चलो, ये वाली प्रोडक्ट है, BSR नहीं शो हो रहा, जिनके BSR समटाइम्स प्रोडक्ट्स का नहीं शो होता आपको, लेकिन यहाँ पे लिस्टिंग आपने कर दी नहीं है, BSR शो हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने पपरोनी ओरिजिनल बीफ सर्च करके आना, उसने इसी प्रोडक्ट पे आके लैंड होना। दो FBM बैठे हुए हैं, अच्छा प्राइस देखिए अब कितनी है, 39.75। ठीक है, इस प्रोडक्ट को देखते हैं कि ये मिलती कितने की है। अभी हम प्रॉपर प्रोडक्ट हंट करके इसको सोर्स वाली साइड पे जाते हैं। वो 37 आउट ऑफ स्टॉक ये वाली। ठीक है, अब ये जो है कि कहते हैं हमें अच्छा 38 औंस बैग है, 18.67 का हमें मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कितने का है, 39.75 का ये सेल हो रहा है। ठीक है, अब आप इस प्रोडक्ट को लिस्ट करके बैठ जाएं, जिस तरह ये भाई साहब बैठे हैं ना, आपने कितने पे लगानी है, ये इसने 75 पे लगाई है, आप इसको 74 पे लगा लें, ज्यादा नहीं गिरानी, क्योंकि मोस्टली सेलर्स गलतियां यही करते हैं, वो ज्यादा प्राइस गिरा लेते हैं, मार्जिन सबके कम हो जाते हैं इस तरह से। फिर एक FBM सेलर भी आपको साथ, FBM सेलर्स भी मिल गए, FBM सेलर्स की प्रोडक्ट्स में से आप प्रोडक्ट्स मजीद भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहां तक प्राइस हमने देख ली कि 39.75 पे ये सेल हो रही है, और इधर हमें कितने की मिल रही है, 18.67, वेट देख लें सेम है, 38 है, ओरिजिनल बीफ फ्लेवर, चीजें मैच कर लें, लीन बीफ फ्लेवर बीफ ही है। ठीक है, बाकी मजीद डिटेल्स में जाना लाजमी है, आपने ज्यादा डिटेल्स मैच करनी है। ठीक है, ये फ्लेवर में फर्क ना हो, क्योंकि ओरिजिनल बीफ और लीन बीफ मुझे इतना ज्यादा फर्क नहीं पता, लेकिन है बीफ ही है, जाने दें यही चलेगी। ठीक है, तो बाकी शिपिंग भी दे रहा है, सोल्ड एंड शिप्ड बाय वॉलमार्ट। अब एक चीज यहाँ पे और देख लेनी है कि वॉलमार्ट पे अगर आप सोर्सिंग कर रहे हैं ना, तो सोल्ड एंड शिप्ड बाय वॉलमार्ट होना जरूरी है, क्योंकि वॉलमार्ट की प्राइस कम होती है, और जो दूसरे भाई साहब है, कोई थर्ड पार्टी है, उसकी प्राइस ज्यादा होगी। ठीक है, तो अच्छा ये हो गया, अब हमने आना है यहाँ पे, इधर से इसका कॉपी करना है SN, इसको कॉपी कर लें और रेवेन्यू कैलकुलेटर पे आ जाएं, सर्च अनदर प्रोडक्ट यहां पे लाके पेस्ट कर दें इसको, एंटर करने के बाद अब यहां पे फुलफिलमेंट कॉस्ट देखें कितनी ज्यादा इसने डाली हुई है,
आइटम की प्राइस कितनी है? $40 है, 39.99 समथिंग थी, तो इधर भी हम लोग 40 ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सोर्सिंग प्राइस है 19 कर लें, $18 थी 19 कर लें, इधर भी 19 कर लें। शिपिंग फुलफिलमेंट कॉस्ट हमें लेट्स वो $4 आती है, मिसलिनियस कॉस्ट $2 डालें, इधर इधर भी दो दो ऐड कर लें, और बस ठीक है। अब नीचे आए, अब मार्जिन का फर्क देख रहे हैं, ठीक है। जिधर आपने 4 बचाए हैं ना, उधर आपको 8 बचने हैं, लेकिन कैसे? अब बात यह है कि ये वाली जो प्रोडक्ट आप लिस्ट करेंगे ना, अब FBA के अंदर हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं हाई सेल वाली, जिसके ऊपर हमें पता है कि इसके ऊपर ज्यादा सेल आनी आनी और हमारा स्टॉक निकल जाए, ठीक है। जब आपने FBM करना ना, तो आपने इस तरह की ना कुछ तकरीबन 500-600 प्रोडक्ट्स लिस्ट करनी है। लेट सपोज इसका ऑर्डर आएगा, आपको 2 दिन बाद ऑर्डर एक आ जाए, 3 दिन बाद एक ऑर्डर आ जाए, इस तरह की जब प्रोडक्ट्स 600 प्रोडक्ट्स होंगी, तो सबका अगर 600 में से 300 प्रोडक्ट का एक एक ऑर्डर भी डेली आएगा, तो डेली का कितना ऑर्डर बनेगा? 300 ऑर्डर। लेकिन अब आप लिस्ट किस तरह करेंगे वो भी सुन लें। लेट सपोज अकाउंट की हिस्ट्री बन गई, FBA चल रहा है अकाउंट के ऊपर, FBA तो लाजमी है ना कि करना है, 20% FBA पे अकाउंट मैनेज करना ही करना, ठीक है। 80% FBM चला देना साथ, पहले महीने 8 लिस्टिंग कर लें, अगले महीने 15 कर लें, अगले महीने 20 कर लें, मतलब 3 महीने गुजर गए, कुल 50 लिस्टिंग पूरी होगी स्टोर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद फिर कोई लिमिट नहीं है, फिर डेली की तीन चार करते रहें, ठीक है। 1000 लिस्टिंग पे अकाउंट मैनेज कर लेना आपने, और यहाँ पे अगर हम चलते हैं तो ये इस स्टोर की देखते हैं कितने कितनी प्रोडक्ट्स लिस्ट की हुई हैं। 8700+ रेटिंग है इसकी, तो इसके पास FBM प्रोडक्ट्स होंगी मोस्टली। ये देखो 695 इसने लिस्टिंग्स की हुई हैं। अब 695 में से लेट सपोज कि उसको 300 प्रोडक्ट्स का डेली का एक ऑर्डर आ जाता है, ठीक है। डेली का 300 ऑर्डर मैनेज करने के लिए आप लोगों को कुछ 2-3 दफ्तर बनाने पड़ जाने हैं अपने, जिधर आपकी टीम बैठेगी, प्रोसेसिंग करेगी, ऑर्डर यहाँ से सोर्स करेंगे, वो बच्चे बैठ के सारा सोर्स होंगे, कुछ बैठेंगे वो ऑर्डर लेंगे, ठीक है। मतलब पूरी एजेंसी बन जाती है। 600 लिस्टिंग हो, अगर स्टोर के ऊपर 600 लिस्टिंग, 600 प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो ना, तो पूरी एजेंसी बन जाती है, समझ गए बात को। तो उतना फिर बड़ा बजट भी चाहिए साथ, तो उतना का करें मैनेज जितने पैसे हैं पास, मतलब लेट सपोज के $1000 से काम करना, 2000 से करना। फिर ये भी है कि क्लाइंट्स, मल्टीपल क्लाइंट्स हंट करें। क्लाइंट किस तरह आएगा? अब इंस्टार्ट आपके पास अगर कोई क्लाइंट आपको मिल जाता है, कोई छोटा बड़ा मैटर नहीं करता, $2000 भी बजट है ना, तो उसको पकड़ लो, उसको कहो लो मैं काम करके देता हूँ, ठीक है। काम कर दिया, सेल्स जनरेट करने, जब दिखाने के लिए कुछ होगा ना, फिर क्लाइंट आते रहेंगे। मल्टीपल क्लाइंट्स का काम पकड़ते रहो, ऐड करते रहो, अकाउंट्स डालते रहो, ऑर्डर आता रहेगा, उधर से मैनेज करते रहे आप, ठीक है। ये अकाउंट्स वाला काम हो गया, फिर साथ अपना भी आप जाती भी तो करोगे ना, कि मतलब आपके अपने पैसे हैं उसमें, वो सारे पैसे आपके अपने होने, जितना प्रॉफिट आएगा वो आपका जाती होगा, जो क्लाइंट के, क्लाइंट ने बीच में से 50% प्रॉफिट वो ले गया, 50% आपको बचा, लेकिन वो भी घाटे का सौदा नहीं है, बहुत पैसे बनते हैं उसमें भी, ठीक हो गया। तो फर्दर काम को किस तरह मैनेज करना है, कैसे सारी चीजों को लेके चलना है, वो आपको साथ साथ अब चीजें मेरा ख्याल है समझ में आती जा रही हैं। प्रोडक्ट्स हंट करनी है, लिस्ट करनी है, सोर्स करनी है, आगे बेचनी है, फिर जो फर्दर आगे प्रेप सेंटर वाला प्रोसीजर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। प्रैक्टिकली काम है सारा, ठीक है, बातों से ये काम नहीं चलना, ये प्रैक्टिकली चलना है, और प्रैक्टिस करें, प्रोडक्ट्स हंट करके मुझे दिखाएं, ताकि फिर मैं आपकी गलतियां निकाल लूं, आपको बताऊं कि हाँ आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो फिर IP कंप्लेन्स कैसे चेक करनी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, आज का लेक्चर हमारा काफी लंबा हो गया। तो अगर कल कहेंगे, क्योंकि लेक्चर्स पीछे मिस भी हुए हैं काफी हमारे, तो कल भी मैं कहता हूँ कि एक लेक्चर रख लेते हैं, तो अगर मैं फ्री हुआ तो फिर मैं अनाउंस कर दूंगा, तो फिर हम कल भी एक लेक्चर रख लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है तो बताएं। यस सर, सर बाज़ दफ़ा जब हम प्रोडक्ट सोर्स करते हैं ना, तो
फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ प्रोडक्ट्स हंट की थी, तो अच्छा, उसमें ये था कि मैं चाहूंगी कि आप उस पर फीडबैक दे दें। तो किधर है जो वो शीट प्रोडक्ट, थी कहाँ पे है? वो मेरे पास है सेफ, आप वो मुझे शीट दे दीजिए ना, मैं उस पर पेस्ट कर दूंगी वो सारा एसन वगैरह, तो आप शीट देख आपने पता है क्या लीजिए। करना है, मैं आपको बताता हूँ। आपने ना, वो आपके जो सपोर्ट का नंबर है ठीक हाँ जी है है, आपने सपोर्ट वालों को मैसेज कर देना अपना ईमेल, ठीक है, वो आपको शीट में ऐड कर देंगे, ठीक है। और बड़े चलिए। वैसे अफसोस की बात है कि आपको अब शीट याद आ रही है, ये कुछ तकरीबन तीसरे लेक्चर की बात है जब शीट में आपने शीट बनानी थी। और प्रोडक्ट आपको टास्क भी देता रहा हूँ। अब देखो मेरी बात सुनो, एक बंदा बिजी आदमी है, ठीक है, मैंने साथ एजेंसीज मैनेज करनी, इंस्टीट्यूट्स मैनेज करने, ठीक है, सारी चीजें, फिर बच्चों को भी पढ़ाना है सारा। अब ट्रेनिंग्स वाला काम जो है ना, वो सारा मैं खुद करता हूँ, मैं नहीं, कोई अपने स्टूडेंट को नहीं कभी मैंने लाके बिठाया कि आप सिखा दो, आगे बच्चों को लेक्चर दे दो, किसी असिस्टेंट को नहीं कभी का। मेरी कोशिश होती है मैं खुद जो डिलीवर कर दूं, वो किसी बंदे ने नहीं डिलीवर करना आपको, ठीक है। कोई बंदा एक दूसरे को सिखाने पे एग्री नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्यों, काम में कंपटीशन आ जाता है, ठीक है। तो ये काम वही है जो मैंने करना, मुझे नहीं याद रहता समटाइम्स, तो आपका फर्ज बनता है ना कि आप मुझे याद करवाएं, आप अपनी वो शीट्स बनाएं, चेक करवाएं, उनको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे काम नहीं आएगा, फिर उलते रहेंगे, फिर कल को आप मुझे ब्लेम करेंगे कि सर ने सही नहीं सिखाया। यस सर, एक्चुअली अभी जाके हंट हुई है, पहले बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, जिस तरह सोर्सिंग जो प्राइस थी वो बहुत ज्यादा मिल रही थी किसी की, अच्छा, तो तो अब कुछ नहीं है, कैलकुलेटर तो पे अब हाथ मेरी सीधे करें अपने, मजबूरी जल्दी से जल्दी ना FBA कैलकुलेटर पे हाथ सीधे करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक सही। तो है ना। सर ऐसा होता है कि अमेजोन पे जो इमेज बनी हुई है ना, जिस तरह कोई भी टॉय है, स्टफ टॉय है, उसका फ्रंट पोज है, तो वॉलमार्ट पे उसका थोड़ा सा साइड पोज था, तो ये इतना हाँ, मैं डिफरेंस वही होता बता है। रहा हूँ कि ये चीजें जो है ना, अब जो पढ़ा लिखा बंदा है ना, वो तो प्रोडक्ट ढूंढ लेता है इस तरह, ठीक है। जो अब जिनको समझ नहीं है, वो सिर्फ वो ये चीज, वो तस्वीर ही मैच करते रहते हैं। अब मैं आपके सामने, आपने देखा होगा, मैं तस्वीर इतनी ज्यादा मैच ही नहीं करता। मैंने कहा कि ठीक है, बी फ्लेवर है, जाने दो इसी को, जाने दो, ठीक है। अब ये तो हम FBM कर रहे हैं ना, FBM में कोई नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक आधी रिटर्न आ जाएगी, रिटर्न आती है वॉलमार्ट से, जाओ रिफंड ले लो अपना स्कून से, समझिए बात को। मैंने तो काम ही आप लोगों के लिए बड़ा आसान कर दिया, ठीक है ना। लेकिन बेहतर ये है कि मैच करो सारी चीजों को, देख लो वेट शेट मैच करना है, टाइटल मैच कर लो, फ्लेवर मैच कर लो। समटाइम्स ये प्रोडक्ट सेम होगी, ठीक है, यहाँ पे भी ये किसी और ब्रीड का कुत्ता लगा हुआ है, उसके ऊपर कोई और ब्रीड लगी होगी, तो वो चीज मैटर नहीं करती। मैटर क्या करता है, फ्लेवर, वेट, ब्रांड मैटर करता है, सही ठीक है ना। सर, और और गेटिंग और एक और चीज जो मैंने आपको बताई, अब ये अनगेटिंग 38 औंस है, लेट्स सपोज 38 औंसेस की लिस्टिंग थी ये वाली। अब मैंने आपको यहां तक बताया कि आपको 38 औंस वाली नहीं ना मिल रही, लेट्स सपोज आप 10 10 औंस यस वाली चार मिला लो, 40 औंस पूरा करके भेज दो, वेट पूरा करके भेजना है बस, ओके समझ सर गया ना। तो इस तरह से आप लोगों ने यस काम करना है, आपने ये नहीं देखना कि 38 वाली यहाँ पे पड़ी हुई है वॉलमार्ट के ऊपर, तो 38 वाली है ही नहीं, ये सैम्स पे नहीं है, दूसरे टारगेट पे नहीं, चीवी पे नहीं है, जो सप्लायर्स हैं सारे आपको गूगल के ऊपर अवेलेबल है, सब मिलेंगे, ठीक है, वेट पूरा करके भेजना, ठीक है ना। सर, और गेटिंग और अनगेटिंग का भी बता दीजिएगा कि जो गेटिंग क्या अनगेटिंग होती है, वाली, और अनगेट किस तरह से हम कर सकते हैं कैटेगरी को। उसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है, ठीक है, ये आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, ठीक है। आपने मुझे याद करवा देना, मैं आपको अकाउंट के ऊपर ये करके बताऊंगा कि किस तरह होती है ये, ठीक ठीक है है सर, ना। ये बड़ा महंगा स्किल है जो आपने डिमांड कर लिया है, तो ये बताते नहीं है, लेकिन चलिए आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।